नमस्कार दोस्तों, इनफोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के जीएस बूस्टर प्रोग्राम में हम लोग एक ऐसी बूस्टर डोज आपके लिए लाए हैं जिसमें हम लोग जो हमारे 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स हैं उनको समझेंगे कि कौन से ऐसे टाइगर रिजर्व्स हैं जो बार बार विभिन्न परीक्षाओं में 10, 20, 25 से भी ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं। उसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। आपको पता ही है कि रोज का डोज प्रोग्राम जो है हमारा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम लोग जो विभिन्न परीक्षाओं में कई कई बार प्रश्न पूछे गए हैं उनका अध्ययन करते हैं और एक छोटी सी जगह में उसको छोटे से वीडियो में 4-5 मिनट, 7 मिनट के वीडियो में हम लोग उसको कंपाइल करने की कोशिश करते हैं। ये आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टाइगर रिजर्व्स हम लोग पढ़ रहे हैं, आपको पता ही है कि टाइगर रिजर्व्स क्यों बनाया जाता है। दरअसल जो शेर हैं, सॉरी चीता जो है टाइगर, उनके कंजर्वेशन के लिए यानी उनके संरक्षण के लिए, उनको बचाने के लिए, उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए, इन सभी के लिए टाइगर्स के लिए कुछ रिजर्व्स बनाए गए हैं, आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। इसके बारे में डिटेल में आपको क्लास में अध्ययन करने को मिलेगा। फिलहाल हम लोग इसके जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको समझते हैं। देखिए, सिमलीपाल जो है उसको याद करने की ट्रिक्स जो हमने विकसित की हैं वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। जो सिमलीपाल है, सिमलीपाल उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। और इसको याद करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर इमली हम किसी भी डिश में डालते हैं, तो डिश का टेस्ट ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अब देखिए, ओडिशा में डिश आता है और शिमली से इमली बन जाता है, ठीक है। तो इससे आप इसको लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, आप नोट्स में इसको लिख भी सकते हैं। वो थोड़ा फनी होगा दूसरों के लिए देखने पर आपका एग्जाम जरूर निकलवा देगा। चलिए अगला देखिए। अगला जो है सतकोसिया है और ये है उड़ीसा में। उड़ीसा एक ही बात है, उड़ीसा पुराना नाम था, 2011 में इसका नाम बदल के ओडिशा कर दिया गया, लेकिन यहाँ पे हम इसको उड़ीसा ही बुला रहे हैं। उसका कारण ये है कि सतकोसिया, देखिए सतकोसिया से हमारा बनता है सात कोस। तो देखिए कोस जो है वो दूरी की पुरानी इकाई थी मापने की। तो देखिए जब सात कोस दूर कोई रहता है तो फिर वहां पे उड़ के जाना पड़ता है। उड़ के जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, तो सात कोस दूर जब कोई रहता है तो वहां पे उड़ के जाना पड़ता है। उड़ से बन गया हमारा उड़ीसा। इसके नीचे आप ऐसे लाइन भी खींच लीजिएगा जिससे याद रहे। उड़ से बन गया उड़ीसा और सतकोसिया से सात कोस, तो इससे आपका बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला हम लोग देखते हैं ये जो नामदफा, ठीक है। नामदफा कई बार पूछा जा चुका है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में आपका, ठीक है। और इसको याद करने के लिए हमारी ट्रिक ये है कि ये जो नाम है अरुण, ठीक है, किसी बंदे का नाम है अरुण। और ये दफा जो है, दफा का मतलब होता है गेट आउट, तो दफा को ये चल हम लोग कह सकते हैं। तो यानी कि ये जो नाम दफा है तो अरुण से सब लोग कहते हैं चल 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 निकल, तो ऐसे करके उसको दफा करते रहते हैं लोग, तो इसको आप इससे याद कर सकते हैं, नाम दफा अरुणाचल। उसके बाद देखिए दुधवा, दुधवा है लखीमपुर खीरी में। अब देखिए सिंपल सा है, दूध से बनती है खीर, तो यहाँ पे आप दूध से बनती है खीर और इसलिए ये है लखीमपुर खीरी में। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि आपको उत्तर प्रदेश केवल जानने से नहीं काम चलेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो तैयारी करते हैं वो, या फिर आप अगर उत्तर प्रदेश का कोई एग्जाम दे रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में आपको यही नहीं पूछेगा कि दुधवा कहाँ पे है, वो आपको एग्जैक्ट डिस्ट्रिक्ट भी पूछ सकता है। तो उसमें आपको ये जानना जरूरी है कि लखीमपुर खीरी में है। अच्छा, उत्तर प्रदेश से ही रिलेटेड एक और टाइगर रिजर्व है जो कि लखीमपुर खीरी के ठीक बगल वाले डिस्ट्रिक्ट में ही है, उसे बोलते हैं पीलीभीत। तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जैसे खीरी है, वैसे तो पीलीभीत अपने आप में डिस्ट्रिक्ट है, इसको याद करने क्या, बाकी पीलीभीत जो है वो यूपी में है या अपने आप में एक डिस्ट्रिक्ट है लखीमपुर खीरी के जस्ट वेस्टर्न साइड यानी पश्चिमी साइड में, और बल्कि हमारा जो सबसे नॉर्दर्न साइड है वहाँ पे पड़ता है। इसका जब हम लोग यूपी का मैप अध्ययन कर रहे होंगे यूपी स्पेशल वाली क्लास में, तब हम लोग उसको समझेंगे और अच्छे से पूरे मैप का आपको एक आइडिया क्रिएट हो जाएगा, विजुअलाइज हो जाएगा आपके दिमाग में। उसके बाद देखिए बांदीपुर कर्नाटक। इसको याद करने की मेरी ट्रिक ये है कि जब बचपन में हम लोग स्कूल में थे तो वहाँ पर जो 26 जनवरी 15 अगस्त में नाटक होते थे, नाटक करने के बाद जो भी नाटक करता था, उसको उसके बाद जो है नाटक देखने के बाद हम लोग को बूंदी वितरित की जाती थी,
बूंदी जो मिठाई होती है वो दी जाती थी। तो यहाँ से हम लोग का देखिए नाटक कर से कर्नाटक बन गया और बूंदी से बांदीपुर, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए कि उत्तराखंड में पढ़ते हैं तीन, जिम कार्बेट, राजा जी और नंदा देवी। तो इसमें आप एक ऐसी इमेज अपने माइंड में बनाइए कि ये जो राजा जी हैं, राजा जी और उनके साथ में एक बहुत बड़ी देवी हैं नंदा देवी, वो दोनों लोग एक साथ जो है किसी एक स्टेप्स से उतर रहे हैं, मतलब जीने से वो लोग उतर रहे हैं, ठीक है। और वो जीने पे बिछा दी गई है कारपेट। तो यानी राजा और देवी, इनके साथ में जो देवी हैं वो दोनों लोग जब उतर रहे हैं जीने से, तो ये वहाँ पे कारपेट बिछा दी गई है, ठीक है। तो इसमें कारपेट और उतर, इससे आप याद कर सकते हैं कि उत्तराखंड और ये जो है कारपेट और राजा जी नंदा देवी, ठीक है। ऐसी एक आप अपने दिमाग में इमेज बिठा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग यही ट्रिक फॉलो करें, आप लोग कुछ और ट्रिक्स भी ऐसी विकसित कर सकते हैं, या आपने विकसित की भी होंगी तो वो भी आपके लिए पर्याप्त महत्व की हैं। बस मेरा बताने का ये मकसद है कि आपको अगर आपने नहीं किया तो आप यहाँ से कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। और दूसरी बात यह है कि इससे आप लोगों को ये भी समझ में आएगा कि कुछ और एरियाज भी जहाँ पे हमने ट्रिक्स नहीं भी विकसित किए वहाँ पे आप कैसे विकसित कर सकते हैं। कुछ भी लॉजिक कहीं का भी सिर पैर उठा के जोड़ दीजिए, बस कुल मिला के आपको एग्जाम में कोई याद आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए अन्ना मलाई जो है वो तमिलनाडु में है। और अन्ना मलाई देखिए, अन्ना जो है, अन्ना आपने सुना होगा कि अन्ना दुराई नेता जो है वहाँ पे हुए थे बहुत बड़े, तो उससे मैंने ये याद किया था कि अन्ना मलाई जो है वो अन्ना दुराई वहाँ के नेता थे, AIADMK वाले, तो उनसे जो है ये तमिलनाडु में मुझे याद हुआ, ठीक है। और अन्ना इसमें आप लिख भी सकते हैं, अन्ना दुराई नेता जो है वो थे, ठीक है। वैसे तो वहाँ के नेता अक्सर पता नहीं, मतलब पहचान में नहीं आते हैं, सभी वहाँ पे बूढ़े बूढ़े और वो चश्मा लगाए रहते थे, तो मगर वो अन्ना दुराई जो है उनके वो थे सब तमिलनाडु के कुल मिला के। उसके बाद देखिए, अगर आपने वो मूवी देखी हो कंगना वाली जो जयललिता वाली आई थी, तो उसमें भी बहुत अच्छे से उन्होंने सब दिखाया है, ठीक है। अन्ना मलाई से ही मिलता जुलता है मुदु मलाई, ठीक है, ये भी आपका तमिलनाडु में ही है। तो अन्ना मलाई, मुदु मलाई, ये दोनों आपके तमिलनाडु में है, ठीक है। मुदु मलाई से एक आप मिलता जुलता बना सकते हैं, मुदु से मिलता जुलता है मुकुर्थी, तो मुदु से मुकु मिल गया, मुदु मलाई से मुकुर्थी जो है वो मिल गया। तो मुकुर्थी, मुदु मलाई और ये अन्ना मलाई तीनों जो है तमिलनाडु में है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि पलामू झारखंड, तो पलामू से हमारा ये बलम बन जाता है, पलामू से ये बलम हो गया। और बलम आपको पता है आजकल एक गाना भी बहुत लोकप्रिय हुआ है कि मेरो बलम थानेदार वाला, तो वैसे जो है बलम का मतलब होता है पति। और एक आजकल तो ये गाना है, वैसे हम लोग के समय में एक, मतलब हम लोग का समय क्या, अभी भी वो बहुत लोकप्रिय है और बहुत पहले से लोकप्रिय है। कुल मिला के कहने का ये तात्पर्य है, बहुत पुराना गाना है और आज तक बहुत लोकप्रिय है, वो है फेक देले थरिया बलम गईले झरिया पहुँच ले कि ना, जो भोजपुरी वाले हैं वो लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर लेंगे इससे। तो वो बलम गईले झरिया, उससे मैंने ये ट्रिक बनाई थी कि बलम गईले झरिया, यानी कि बलम और वो झरिया चले गए। तो झरिया एक तो वैसे भी वो झरिया से झारखंड समझ में आ रहा है, और दूसरी बात झरिया है भी झारखंड में, तो वो बलम गईले झरिया, उससे आप लोग ये याद कर सकते हैं कि ये जो पलामू है वो झारखंड में है, ठीक है। उसके बाद देखिए भद्रा, तो ये भद्रा आपको पता है कि कर्नाटक में जो है दो रिवर हैं, तुंगा, एक ये तुंगा जाती है एक ये भद्रा जाती है, और ये दोनों जब मिल जाती हैं तो इसको बोलते हैं तुंग भद्रा। तो एक ये तुंगा है एक ये भद्रा है, जब ये दोनों मिल जाती है तो इसको बोलते हैं तुंग भद्रा, और ये आगे जाके इधर कृष्णा में मिल जाती है, कृष्णा में मिल जाती है, और ये बनाती हैं कृष्णा और मतलब कृष्णा और तुंग भद्रा का जो दुआब है वहाँ पर काफ़ी लड़ाइयाँ जो है वो हम लोग को देखने को मिलती हैं पुराने समय पर, जो विजयनगर साम्राज्य वगैरह था वो इधर ही पे था। तो यहाँ से आप तुंगा समझ लीजिए कि वो जो विजयनगर साम्राज्य उसके पास वाला एरिया, तो वो सब जो है तुंगा भद्रा ये वहीं पे है, और भद्रा जो है एक्चुअली वो कर्नाटक, ठीक है। तो ये याद करना आसान है। उसके बाद देखिए औरंग असम, तो इसमें कुछ खास नहीं है, बस ये आ से औरंग आ से असम, तो औरंग जो है
असम से। इसकी आप इमेज चाहें तो ऐसे विजुअलाइज कर लीजिए अपने दिमाग में कि मतलब कोई जगह जो है वो बहुत असम है, मतलब ऐसा पहाड़ी एरिया है, तो पहाड़ी एरिया है तो वहाँ पर जो है उसको सम करने के लिए, असम को बराबर करने के लिए उसमें हम लोग मोरंग भर देते हैं। ऐसे मोरंग भर दिए, ठीक है, मोरंग भर दिए तो मोरंग से बन गया औरंग, औरंग असम। और देखिए इसी से मिलता जुलता है रंग से रंगा, काजीरंगा है, तो इससे आप ये याद कर सकते हैं कि औरंग असम और उससे मिलता जुलता है काजीरंगा असम, ठीक है, तो इससे आपका ये तैयार हो गया। उसके बाद देखिए ये मध्य प्रदेश के हैं माधव कान्हा, इसको देखिए याद करने का ये है कि कान्हा कान्हा और पन्ना के मध्य में, पन्ना के बीच में या मध्य में पेंच बांधो, तो कान्हा पन्ना के मध्य में पेंच बांधो, तो ये आपका हो जाता है कि मतलब कान्हा, ये देखिए मध्य का मतलब मध्य प्रदेश है, पन्ना का मतलब वहाँ पर एक पन्ना भी पड़ता है, ठीक है, पेंच का मतलब वहाँ पर पेंच भी है, पेंच टाइगर रिजर्व है, और बांधो से बांधवगढ़ बन गया, ठीक है, तो बांधो से बांधवगढ़ बन गया, पन्ना हो गया, पेंच हो गया, कान्हा हो गया, और कान्हा से मिलता जुलता देखिए ये नाम माधव भी है क्योंकि कान्हा का ही नाम माधव है, तो ये कान्हा से मतलब सिमिलरली नाम है, तो उससे आप ये पांच यहाँ पे याद कर सकते हैं, माधव कान्हा कान्हा पन्ना के मध्य में पेंच बांधो, तो इससे आप ये पांच याद कर सकते हैं कि पांचों मध्य प्रदेश में। ये रहा हमारा आज के जो 20 आपके बल्कि 20 से ज़्यादा ही करीब 22-23 टाइगर रिजर्व आपके तैयार हो चुके हैं, तो ये एग्जैक्ट नंबर जो है वो 22-23 के करीब आपके टाइगर रिजर्व तैयार हो चुके हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप हर हाल में रट लीजिएगा। अभी सारे टाइगर रिजर्व पूरे नहीं हुए हैं, जल्दी हम लोग इसके अगली सीरीज में इस और जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनको भी कवर करा रहे होंगे। और अगर आपको ये वीडियो लाइक मतलब यूजफुल लगा हो तो आप इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।